कैसे पक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सारे सांप ही सांप, इतनी ज़्यादा। ये देखिए कैसे जूते भी बाइट किया और यहाँ पर जहर भी छोड़ा इसने, देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्पमित्र आकाश जाधव यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जैसे कि आपको पता है, मैं उड़ीसा में हूँ स्नेक रेस्क्यू के लिए, जगन्नाथ शाह के पास। ये यहाँ पर रेस्क्यू का काम करते हैं और आए दिन इनको लगभग दिन में 2-4 रेस्क्यू कॉल आते हैं। अभी अभी इनको एक रेस्क्यू कॉल आया है, इस गांव में पहुँचे हम। कौन सा गांव है? रंगोनी बटड़ा गाँव, नया डिस्ट्रिक्ट का। तो ये नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम चलते हैं घर की तरफ और देखते कौन सा सांप है, उसको पकड़कर सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलो चलो, देखो स्टिक, देखो ये पकड़ो तुम्हारे। अरे आप इतने लोग ध्यान रखे इस पे, किधर देखा है? अंदर लकड़ी के नीचे देखो। अच्छा, तुम हट जाओ, फिर मैं इधर उधर फेंक दूंगा, बाहर लाऊंगा मैं उसको पकड़ के। आप हट जाओ, नहीं हम निकालते हैं, मैं निकालता हूँ। हाँ, लग जाएगा कोई लकड़ी, ओबरा होगा तो भागना मुश्किल होगा। अरे ये तो यहाँ पर ही है। बाहर चलो, बाहर चलो। कौन सा है रे ये? अरे दो है यहाँ पर। एक नहीं, ये दो है। पकड़ो इसको एक बार, आप भाग जाएगा नहीं तो। नहीं नहीं, ले लो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कॉपर रेडेड ट्रिंकेट स्नेक। एक सांप देखा, दो सांप मिल रहे यहाँ पर। बहुत आक्रामक सांप होता है कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक। इसके बारे में पहले दो वीडियो हमने बनाए हैं और जैसे कि मैंने सुना उड़ीसा में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसका मूवमेंट किस तरह है। तो देखिए किस तरह ये अटैक कर रहा है, देखिए कितना ऊँचा। और वन सुंदरी नाम से इस सांप को जाना जाता है। काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी गुस्सेल सांप होता है। चलिए बाहर ले लेते इसको। चलिए, हाँ वो तो लिया। चेक करो फिर से क्या और नहीं है सांप? नहीं है, चलो चलो बाहर जाएंगे, चलो। डरो मत रे, कैसे पकड़ लिया उसने, देखो। काफी गुस्सेल सांप होता है, काफी गुस्सेल। अच्छा इधर आगे ले ले। तो जैसे कि आप देख रहे दोस्तों, इसे वन सुंदरी नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन अटैक बहुत ज्यादा करता है, बहुत ही ज्यादा। इसका मूवमेंट आप देखिए किस तरह होता है, ये देखिए। बहुत ही ज्यादा आक्रामक सांप होता है। बहुत ही बड़ा ये सांप मिला हमें, बहुत ही बड़ा, फुल साइज में, एकदम से फुल साइज में। नाम फिर एक बार बताऊंगा इसका, इंग्लिश में कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक। भारत देश में वन सुंदरी इस नाम से भी जाना जाता है इसको। ये जहरीला नहीं है, इसके काटने से कुछ होगा नहीं, लेकिन मांसाहारी सांप है, चूहा मेंढक खाता है, जिसके कारण इसके मुंह में, इसके लाल में बैक्टीरिया होता है। तो अगर ये सांप काट ले तो भी आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो इसके दांत है शरीर में टूट जाएंगे, वहाँ पर पॉइजन हो सकता है, गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए सांप काटने के बाद
चाहे वो जहरीला हो चाहे बिना जहर वाला हो, आपने हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। दो कॉपर रेडिएटर ट्रिंकेट स्नेक मिले हैं, खुद को ही बाइट कर रहा है, देखिए इस तरह बाइट किया उसने। तो चलिए हम इसको बैग में डालते हैं, दिखाओ इधर बैग ले लो, एक छोटा एक बड़ा कॉपर रेडिएटर ट्रिंकेट स्नेक। बहुत गुस्सेल सांप होता है, बहुत ही ज़्यादा। काफ़ी बिग साइज में। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, सांप को हम तुरंत एक सुरक्षित जगह पर फॉरेस्ट में यानी पर्यावरण में रिलीज करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा, दो कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक हमने रेस्क्यू किए थे, इसी के साथ अलग अलग गांव में कुछ सांप रेस्क्यू किए हैं। यह सभी सांप यहाँ पर फॉरेस्ट में हम रिलीज करें, देखिए। और कॉमन ट्रिंकेट स्नेक और कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक, इसका अंतर मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में, ठीक है। निकालो उसको भी, ये देखिए कोबरा कितना आक्रामक है, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सारे सांप ही सांप, इसी के साथ कोबरा भी सांप है। एक कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक तीन है और एक कॉमन ट्रिंकेट स्नेक है। इन तीनों का अंतर मैं बताऊंगा, पहले एक एक करके सांप छोड़ देता हूं। एक, ये दूसरा, और इसमें कॉमन ट्रिंकेट स्नेक एक है और एक कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक एक है। तो दोस्तों कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक किस तरह होता है और कॉमन ट्रिंकेट स्नेक किस तरह होता है, देखिए। तो देखने पर आपको समझ में आएगा, दोनों का अंतर ज़्यादा नहीं है। ये जो ये देख रहे, ये कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक किस तरह है, इसके माथा पर ऐसा एक्स दिखाई देगा काला, और कॉमन ट्रिंकेट स्नेक ये देखिए, इसके इस पर आपको दो लाइनिंग ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा थोड़ा बीच बीच में काला लाइनिंग ज़्यादा दिखाई देंगे, फन फैला बैठे ऐसे रिलीज़ किया फिर भी। तो ऐसा अंतर है दोनों का, ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन कॉमन ट्रिंकेट के मुकाबले कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक यानी ये वाला बहुत ही ज़्यादा आक्रामक गुस्सेल होता है, बार बार अटैक करता है। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों सांपों को रिलीज़ करता हूँ। तीसरा वाला कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक, ये कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, और ये भी बचा हुआ है कोबरा स्नेक, काफ़ी आक्रामक, देखिए इस तरह से अटैक करता है। भारत देश के जो मुख्य चार पांच सांप जहरीले, उनमें से एक ये कोबरा स्नेक, जिसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इंडियन कोबरा और कॉमन कोबरा इस नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा, हिंदी में गेहुअन, हिंदी में नाग, मराठी में नाग, भारत देश में ज़्यादातर नाग नाम से जाना जाता है, पंजाब में पदम नाम से भी इस सांप को जाना जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ये गुस्सेल सांप, कितना आक्रामक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा आक्रामक। और उड़ीसा के सांप मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए कैसे जूते भी बाइट किया और यहाँ पर जहर भी छोड़ा इसने, देखिए हल्का सा जहर यहाँ पर छोड़ दिया उसने, लेकिन जूता मजबूत होने के कारण ये इसका दांत अंदर घुस नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी यहाँ पर रिलीज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा और हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा गुस्से लिए, बहुत ही ज़्यादा गुस्से ले, देखिए काफ़ी अटैक कर रहे हैं। तो आज लगभग हमने 5 सांप रेस्क्यू किए थे, इन 5ों को हमने यहाँ पर रिलीज़ किया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगता है। और दोस्तों हमारे ये सर्प मित्र आकाश जादव यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल बटन ज़रूर दबाना, साथ ही साथ हमारे मित्र जगन्नाथ शाहू, इनका भी एक चैनल है, क्या नाम है? उड़ीसा का लिए बनाया हूँ मैं उड़िया लैंग्वेज में, मेरा चैनल का नाम है स्नेक सेवर जगहाई, उनको भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दीजिए। जी इनका चैनल का नाम है स्नेक सेवर जगहाई, उनको भी सब्सक्राइब करना, बेल बटन ज़रूर दबाना। जय हिंद।